आईपीएल 2022 का 10वां मुकाबला गुजरात और दिल्ली के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात की ओर से बल्लेबाजी करते हुए पहले तो सोमन गिल ने दिल्ली के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। बाद में जब दिल्ली के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे आए तो गुजरात की ओर से लॉकी फर्गुसन और मोहम्मद शमी ने दिल्ली के बल्लेबाजों के विकेट उड़ा के रख दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे पहले तो दिल्ली के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। मैथ्यू बेट के साथ सोमन गिल ओपनिंग करने के लिए मैदान पे आए, मगर दोस्तों मिस्तफुजुर रहमान ने ऋषभ पंत के हाथों मैथ्यू बेट को मात्र एक रन पे पवेली का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद सोमन गिल ने तगड़ी क्लास लगाई दिल्ली के गेंदबाजों की और 40 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 84 रन की पारी खेल डाली, मगर अगले ही पल खलील अहमद ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। हालांकि अंत में आकर के पांड्या ने 27 गेंदों में 31 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और दोस्तों 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए पृथ्वी शो के साथ टीम साइफर्ट मात्र 13 रन पे आउट हो गए दोनों खिलाड़ी। उसके बाद मनदीप सिंह ने 18 रन की पारी खेली। फिर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने मात्र 29 गेंदों में 7 चौके जड़ दिए और 43 रन की पारी खेल डाली। मार दोस्तों इनकी पारी का अंत लॉकी फर्गुसन ने अभिनव मनोहर के हाथों करवा दिया और कोई बल्लेबाज दिल्ली का चल नहीं सका। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोने के बाद 157 रन बना पाई और 14 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा।